हेलो किड्स, कैसे हैं आप सभी? बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। हिंदी में मैं आपको हिंदी की लॉन्ग वाली कॉपी में वर्क कराऊँगी। बेटा, ये यहाँ पे आपके हिंदी की लॉन्ग वाली कॉपी में पेज नंबर 124, कैसी था पेज नंबर बेटा? 124 पे आपका दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चंस हैं बेटा, आपके मौखिक क्वेश्चंस हैं। मौखिक मीन्स ओरल क्वेश्चंस। ये आपने इंग्लिश में भी किए हुए हैं, सभी बच्चों ने रीड भी किए हैं एंड राइट भी किए हैं, कि ये आपको लर्न भी करना है। देखिए, फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन यानी कि प्रश्न रीड करना है, पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर उसके नीचे साइड लाइन में राइट करना है। फर्स्टली क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। के तो हमारा कौन है वर्तमान प्रधानमंत्री, सभी बच्चों को मालूम है, आई होप मालूम सभी बच्चों को होगा। ये कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। ये भी सभी बच्चों ने किया है और सभी बच्चों को मालूम भी है अच्छे से, कौन है हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। इस तरह से अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट, विद्यालय की प्रधानाचार्य का नाम लिखिए। बेटा, ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल का नेम क्या है, व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम। आपके प्रिंसिपल का यानी मीन्स प्रधानाचार्य का नाम क्या है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी स्कूल की विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम लिखना है। कौन है आपके प्रधानाचार्य, सही बच्चों को मालूम है, श्रीमती पवित्रा यादव। कौन है आपकी प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रधानाचार्य कौन है आपकी, श्रीमती पवित्रा यादव। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखिए। बेटा, आपकी कक्षा अध्यापिका यानी कि आपकी क्लास टीचर कौन है, आपको उनका नेम मालूम है, सभी को मालूम होगा। कौन है, श्रीमती सबा बी, श्रीमती सबा बी। नेक्स्ट है आपका, अपने विद्यालय का नाम लिखिए, अपने विद्यालय का नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, और सभी को मालूम आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल का नेम क्या है, मदर एथिना। क्या नेम है, मदर एथिना। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को राइट करना है, यानी 2 से 3 टाइम, यानी कि 2 से 3 बार आपको इनको लर्न करना है, यानी कि इनको याद भी करना है, और बोल बोल के आप लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये भी बेटा ये भी आपका ओरल क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये भी आपको, इनमें आपको क्या करना है, अपने राष्ट्रीय क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा राष्ट्रीय फूल को क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय रस एंड राष्ट्रीय फल क्या है, ये आपको यहाँ पे एक साइड राइट करना है। और ये भी सभी बच्चों ने किया हुआ है, सभी बच्चों को मालूम है। तो ये भी आपका ओरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक साइड आपके प्रश्न लिखे हैं, सेकेंड साइड उनके सामने आपको उनके उत्तर लिखने हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, सही बच्चों को मालूम है, कौन है, मोर। ओके, गुड, सभी को मालूम है कौन है, मोर। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय फूल, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। यस, गुड। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, सभी को मालूम है, सभी बच्चों को उनने क्या है, क्या है, तिरंगा, तिरंगा। 1 से 2 से 3 टाइम आप उनको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। हमारा राष्ट्रीय पशु, सभी बच्चों को मालूम है राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। क्या है हमारा राष्ट्रीय पशु, बाघ। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, सही बच्चे ने ज़्यादातर बच्चे गुनगुनाते भी हैं, वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम, कैसे पढ़ते, वंदे मातरम, आप सब गुनगुनाते रहते हैं ना, मोस्टली बच्चे थोड़े बहुत गुनगुनाते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गान सभी को मालूम होना चाहिए और मालूम भी होगा, क्योंकि असेंबली में हम लोग करते हैं ना, आप ना असेंबली में
कौन सा राष्ट्रगान है हमारा? हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। आप लोग कहते हैं जन गण मन अधिनायक, पढ़ते हो ना आप लोग असेंबली में, जब आप असेंबली करते हो तो अपना राष्ट्रगान करते हैं जन गण मन। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष? बरगद। हमारा राष्ट्रीय फल, ये तो सभी को मालूम होगा, सभी बच्चों को पसंद भी बहुत होता है और सभी बच्चे शौक से खाते हैं मीठा मीठा, कौन है? आम। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? आम। तो बेटा इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको अपनी हिंदी की लॉन्ग वाली कॉपी में पेज नंबर 124 पे करना है। ओके ओके, और इसको सिर्फ राइट ही नहीं करना है, लर्न भी करना है। ये आपके मौखिक क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे ये। कैन टर्न योर पेज, ओके टर्न योर पेज, पेज नंबर हम आ जाएंगे 125। कैसी था पेज नंबर 125? इसे क्या आ गया आपके दिए में बेटा? ये क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन है? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन मीन्स हमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको हमको अच्छे से राइट करना होता है, उसके नीचे हमारी क्या दी हुई है, प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों में से, उन प्रश्नों को रीड करके यानी कि पढ़ कर इसी में से, इसी पैराग्राफ यानी कि इसी में से हमें इसके आंसर छाटने होते हैं यानी कि उत्तर निकालने होते हैं। फर्स्ट पहले हम इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? भालू टीवी खरीद लाया। भालू क्या खरीद लाया? भालू टीवी खरीद लाया। हाथी शेर को घर बुलवाया। हाथी किसको बुलवाया? हाथी शेर को घर बुलाया। बिल्ली मौसी दौड़ी आई, सबने मिलकर चाय बनाई। क्या बनाई? चाय बनाई। जो भी आता उसे बैठाते, टीवी के संग मिलकर गाते। ठीक है, आपको अब क्या करना है, अपने प्रश्न रीड करने, प्रश्नों को पढ़ना है। भालू क्या खरीद लाया? तो भालू क्या खरीद लाया, तो हम अपनी अनुच्छेद में करेंगे, इसमें से देखेंगे अपने पैराग्राफ में, भालू टीवी खरीद लाया, तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे? टीवी। यहाँ से देख के हम अपना यहाँ टीवी राइट करेंगे। नेक्स्ट, भालू ने किस किस को घर बुलवाया? भालू ने किस किस को घर बुलवाया था? हाथी शेर को घर बुलवाया, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? हाथी और शेर को। नेक्स्ट, सबने मिलकर क्या बनाई? सबने मिलकर क्या बनाया था? हमने पढ़ा था सबने मिलकर चाय बनाई। ठीक है, हम यहाँ क्या राइट करेंगे? सबने मिलकर क्या बनाई? सबने मिलकर क्या बनाई थी? चाय। या गुड। अब किसके संग मिलकर गाते थे? सब संग मिलकर बैठते थे, वहाँ बैठे थे और क्या गाते थे? टीवी के संग मिलकर गाते। किसके संग मिलकर गाते? टीवी। जस्ट गिवन हियर के, तो हमें क्या करना है, अपना प्रश्न हमें को पढ़ना है और उसका आंसर हमें अपने इसमें से, लेखन में से छाट कर राइट करना है। कि नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट भी ऐसी अनुच्छेद लेखन। नेक्स्ट प्रश्न भी हमसे क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद लेखन। तो ये भी हम पहले रीड करेंगे, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर इसमें से देख के छाट कर लिख देंगे। झूठ बोलना है बुरी बात। क्या है बुरी बात? झूठ बोलना है बुरी बात। सच्चाई को रखो याद। गलत बात कभी ना बोलो, हर बात में मीठा घोलो। ये आपको हमने बताया भी था, जिस कभी बुरा नहीं बोलो, जिससे भी बात करो अच्छे, यूज़ ऑन स्वीट वर्ड्स यानी कि मीठे वर्ड शब्दों का हमें अपनी बोली में प्रयोग करना चाहिए। अच्छे अच्छे काम करो, दुनिया में अपना नाम करो। यानी कि आप अच्छे काम करोगे तो सब आपको जानेंगे और आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपने प्रश्न पढ़ने हैं। क्या बोलना है बुरी बात? क्या बोलना बुरी बात होती है, तो सभी बच्चों को मालूम है, झूठ बोलना। क्या बोलना है बुरी बात? झूठ। तो यहाँ क्या करेंगे, हम राइट करेंगे झूठ। नेक्स्ट, कौन सी बात कभी ना बोलो? क्या कभी नहीं बोलना चाहिए? गलत बात। गलत बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ राइट हमारा आंसर क्या होगा? गलत बात। नेक्स्ट है, क्या याद रखो? क्या याद रखो? हमें हमेशा क्या रखना है? सच्चाई को। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, ट्रूथ बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है, कैसे काम करो? कैसे काम करो? अच्छे अच्छे काम करो। हम यहाँ क्या राइट करेंगे? अच्छे अच्छे। ओके,
बेटा सभी को समझ में आ गया, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया हो। ये जो दो क्वेश्चन हैं बेटा, ये आपको अपनी इंग्लिश की 125 पे, पेज नंबर 125 पे हिंदी की लॉन्ग वाली कॉपी में राइट करने हैं और रीड भी करने हैं। ये भी आपके ओरल क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन भी आपके ओरल हैं, इन्हें भी आपको अपनी हिंदी की लॉन्ग वाली कॉपी में रीड एंड राइट करना है और इन्हें लर्न करना है, अपनी मम्मा को भी सुनाना है, मैम को भी सुनाना है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में उसको क्लियर कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बेटा।